हे गाइस, माय नेम इज़ अहमद। वंस अगेन केम बैक विद अनदर वीडियो। सो गाइस, आज की वीडियो थोड़ी डिफरेंट होने वाली है। आज की वीडियो में मैं एक अनबॉक्सिंग करूँगा एक गेमिंग माउस की, जो कि है मेंटा की तरफ से आया है ये गेमिंग माउस, और इसका मॉडल नंबर है MM783G। इसका मॉडल नंबर है और ये 1000 के अंडर आता है। ये मैंने लाहौर में हफीज़ सेंटर से बाय किया, 1000 का कह रहा था, मैंने बार्गिंग करके 800 रुपीज़ का ये बाय कर लिया है ये वाला माउस। और इस माउस को बाय किए हुए मुझे 1 मंथ हो गया है और ये खुद मैं पर्सनल यूज़ कर रहा हूँ ये वाला माउस, और आप लोगों से इसका खुद का एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगा आपके साथ। और जो से दोस्त इस माउस को बाय करने का सोच रहे हैं उनको भी बताऊँगा कि आपको ये बाय करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और क्या ये 1000 की रेंज में ये परफेक्ट माउस है भी कि नहीं। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। सो गाइस, सबसे पहले इस गेमिंग माउस की अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। सबसे पहले इस तरह का आपको बॉक्स देखने को मिलेगा, और जैसे ही आप इसे इस तरह से ओपन करेंगे तो आपका फ्रंट साइड पे आपका गेमिंग माउस होगा और लेफ्ट साइड पे कुछ लिखा होता है। ये रबर कोटेड है और इसकी वायर भी ब्रेडेड केबल है, और इसके अंदर आपको एडिशनल बटन्स भी मिल जाते हैं, और ये 2500 DPI में आता है ये वाला माउस। तो इसको बंद करके इसे ओपन करते हैं। ओपन कैसे करना है, जस्ट आपने इसे ओपन करना है और यहाँ से आपने इसे कुछ पुल करना है अपनी साइड से। तो ये सबसे पहले तो आपको वायर देखने को मिल जाती है, और जैसे ही आप इसे बाहर निकालते हैं तो आपका ओनली गेमिंग माउस आपके पास होता है। तो इधर से भी बाहर निकाल लेते हैं हम इसको, इसे पीछे फेंक देते हैं, और ये रहा आपका गेमिंग माउस। तो यार, लुक तो काफ़ी इसकी किलर है, और इसके एडिशनल बटन्स भी हैं। ये 2 साइड्स पे हैं, आपको दिखा देता हूँ। ये 2 बटन्स इसके साइड पे हैं, एक ये DPI का मिड में है और स्क्रॉल है, और इसकी बिल्ड क्वालिटी तो काफ़ी अच्छी है, और वैसे ओवरऑल ये काफ़ी थोड़ा सा बड़ा माउस है, लेकिन जिनके हैंड थोड़े स्मॉल हैं उनके लिए थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन मेरे हैंड काफ़ी इसके लिए परफेक्ट हैं। ये देख सकते हैं आपके, काफ़ी अच्छा काम करता है मेरे हैंड्स में ये वाला माउस। और ये वायर भी ब्रेडेड केबल है, देख सकते हैं आप लोग, ये काफ़ी अच्छी मोटी बनी हुई है। ये 150 सेंटीमीटर लॉन्ग है ये वाली केबल, जो कि काफ़ी है यार, नॉर्मल इतनी होती है बस। और आप लोग ये देख सकते हैं, ये वाली इसकी USB जो सी प्लग इन होनी है PC के अंदर, ये भी काफ़ी अच्छी है। तो यार, जल्दी से इसे ऑन करके दिखा देता हूँ आपको कि इसकी RGB है भी कि नहीं। RGB तो है वैसे इस माउस की, तो देख सकते हो यार, ये मल्टी कलर्स में आता है ये वाला माउस, तो RGB भी इसकी काफ़ी कूल लगती है। तो देख सकते हो यार, ये काफ़ी अच्छा माउस है, और ये फ्रंट साइड पे इसका ये मेंटा का लोगो बना हुआ है, और ये लेफ्ट साइड पे इधर बोर्न फॉर गेमिंग लिखा हुआ है। तो गाइस, ये थी इस गेमिंग माउस की अनबॉक्सिंग। अब बात कर लें कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा है इस माउस के साथ 1 मंथ से। तो यार, ये माउस बहुत अच्छा है, इसकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, सॉलिड बना हुआ है ये वाला माउस, और कीज़ भी इस गेमिंग माउस की बहुत ज़्यादा आउटक्लास हैं। देख सकते हैं आप, इसकी क्लिकिंग साउंड भी आपको सुना देता हूँ, ये बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, इसकी क्लिक्स काफ़ी अच्छे हैं यार। क्योंकि मेरे पास पहले था डेल का माउस, तो वो वाला माउस जैसे मैं गेमिंग करता था वो वाला माउस के क्लिक्स जो से थे वो ख़राब हो जाते थे। इस गेमिंग माउस में वैसा इशू नहीं आ रहा मुझे, ये 1 मंथ हुआ है अभी फ़िलहाल, तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा है ये वाला गेमिंग माउस। और वैसे भी इस गेमिंग माउस में आपको RGB का शशका भी देखने को मिल जाता है, और इस गेमिंग माउस की वायर भी काफ़ी अच्छी है, ये बेंड करने से भी टूटती नहीं है। दिखा देता हूँ आपको ये बेंड करके भी, ये देख सकते हैं आप लोग, ये फुल मैंने बेंड कर चुका हूँ, तो ये अभी भी ये ख़राब नहीं होगा। तो ये काफ़ी सॉलिड माउस है, इस प्राइस रेंज में ये काफ़ी मुझे परफेक्ट लगा है। और गाइस, इस गेमिंग माउस की मुझे DPI थोड़ी सी कम लगी है, 2500 की DPI है ये, अगर 3200 की हो जाती तो ज़्यादा बेस्ट है, लेकिन 1000 की रेंज में आपको ये 2500 की DPI भी मिल रही है, ये भी काफ़ी ठीक है। और गाइस, अगर कोई एंट्री लेवल गेमर है या गेमिंग में आना चाहता है तो ये गेमिंग माउस आपके लिए बेस्ट रहने वाला है, क्योंकि इसके अंदर आपको 2500 की DPI मिल जाती है, और वैसे भी इतनी DPI बहुत है यार, आम नॉर्मल बंदे के लिए ये भी ज़्यादा है। और गाइस, ये वाला गेमिंग माउस आपने अगर हैंड में भी पकड़ा हो तो ये काफ़ी प्रीमियम लुक देता है आपको। सो आई होप गाइस, आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो यार, अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। आज के लिए बस इतना ही, अल्लाह हाफिज़।